सबसे पहले भाई लोग आप सभी को दिल से धन्यवाद इतना सपोर्ट और कमेंट सेशन में अपना प्यार देने के लिए। आप सभी ने इतना प्यार और सपोर्ट दिखाकर भरोसा दिलाया कि अब हम पीछे नहीं हट सकते। मिलियन होने के बाद तो सभी सब्सक्राइब करते हैं, दिल से धन्यवाद उनका जो इतने में भी शुरू से हमारे साथ हैं। आज हमारे 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, ये आपके प्यार और सपोर्ट के बिना नहीं हो पाता। ये 10,000 सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब जर्नी और इस चैनल का हमेशा से सबसे खास रहेंगे। इस चैनल का हमेशा से मोटिव रहा है कि सिर्फ आप लोगों तक क्वालिटी कंटेंट पहुंचाया जाए। तो आज के रिव्यू में हम इस चैनल की सबसे पॉपुलर वीडियो सीरीज टॉप 8 बेहतरीन कोरियन प्लस चाइनीज ड्रामा सीरीज पार्ट 6 लाए हैं, जो हमेशा की तरह ओनली बेस्ट रियल क्वालिटी कंटेंट होगी। आप लोग हमेशा कमेंट में बोलते हो कि कंटेंट यहां की है उस फिल्म इंडस्ट्री की है। ब्रो, कंटेंट चाहे कहीं की हो फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क पड़ता है कि आप कंटेंट में हमें दिखा क्या रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखकर बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए अपने फैमिली के साथ इन ड्रामा सीरीज को सेलिब्रेट करते हैं। नंबर 6 पे हमने इस सीरीज को इसके यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से रखा है। इस सीरीज की वजह से पूरे वीडियो को जज मत करिएगा। 2015 की मिनी सीरीज ओनली 3 एपिसोड रोमांस ड्रामा के साथ व्हाट इन द वर्ल्ड हैपेंड सीरीज की स्टोरी परियों वाली कहानी की तरह है। हमारा हीरो को 40 साल की उम्र की औरत से प्यार हो जाता है। कहानी में ट्विस्ट तो ये है कि एक जादू की वजह से 40 साल की औरत 10 साल की बच्ची बन जाती है ना, थोड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर थोड़ी और भी इम्पैक्टफुल बनाया जा सकता था, पर ये मिनी सीरीज है तो इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। सीरीज से ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर मत देखिएगा। सीरीज हिंदी में एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है। इस सीरीज को इसके मिनी सीरीज की वजह से एक ट्राई तो देना बनता है। नंबर 5 की सीरीज, अगर आप एक ऐतिहासिक लव स्टोरी देखना चाहते हो जिसमें थोड़ा मैजिक हो, मिस्ट्री हो और खूब सारा रोमांस हो, तो ये चाइनीज ड्रामा सीरीज को एक ट्राई दे सकते हैं। रोमांस ड्रामा के साथ द स्लीपलेस प्रिंसेस सीरीज की स्टोरी एक स्लीपलेस प्रिंसेस की है। अगर वो रात में सो गई तो उसके सपने सच हो जाते हैं, जिसके पास एक ऐसा सुपर पावर है जो भविष्य को देख सकती है। सीरीज में देखना है कि उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है और उससे कैसे बाहर निकलती है। सीरीज की सबसे खास बात लगी वो लीड कैरेक्टर की बीच की केमिस्ट्री, जो सच में कमाल की है। थोड़ा लॉजिक को साइड करके देखिएगा, कहीं पे कोई भी उड़ जाता है, कोई मजाक है क्या। सीरीज की नेगेटिव पॉइंट है इसके एक्टिंग और बजट, जो थोड़ा फीकी लगी, जिसके वजह से ये सीरीज नंबर 5 पे है, लेकिन फिर भी इसके कॉन्सेप्ट के लिए एक ट्राई देना बनता है। सीरीज एमएक्स प्लेयर पे हिंदी में अवेलेबल है। रुको रुको। नंबर 4 की, अगर आप एक ऐसा ड्रामा सीरीज देखना चाहते हैं जिसमें स्वर्ग, धरती, डीमन, गॉड और कुछ मैजिक हो और आपके पास खूब सारा टाइम हो, तो इसे जरूर ट्राई करिएगा। 2018 की 2 सीजन टोटल 16 एपिसोड एडवेंचर फैंटेसी के साथ मार्शियल यूनिवर्स सीरीज की स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। एक इंसान की धरती से लेकर स्वर्ग तक की सफर है, धीरे धीरे करके गॉड वाली शक्तियां, फिर डीमन से लड़ना। सीरीज में कुछ नयापन तो नहीं देखने को मिलता, पर कैरेक्टर की एक्टिंग, वो भाई बहन के बीच की केमिस्ट्री और वो कभी कभी मैजिकल पावर आपको सीरीज से बांध कर रखती है। हाई एक्सपेक्टेशन लेकर मत देखिएगा, सीरीज लो बजट की है जो फील भी होता है। अगर आप एक मैजिकल फैंटेसी ड्रामा सीरीज के फैन है जो चलता जाए तो ये सीरीज आपके लिए बेस्ट वॉच होगी। सीरीज हिंदी में एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 1 की सीरीज, अगर धरती से लेकर स्वर्ग तक का सफर करना चाहते हैं तो ये चाइनीज ड्रामा आपके लिए। 2020 की रोमांस फैंटेसी के साथ लव ऑफ 1000 ईयर्स सीरीज हिंदी में एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है, एक ट्राई जरूर दीजिएगा, आपको मजा आएगा। नंबर 3 की ड्रामा सीरीज, इसमें कोई शक नहीं कि कोरिया डॉक्टरों पे बेस्ट सीरीज बनाने में मास्टर डिग्री कर रखी है। 2017 की इंटरेस्टिंग रोमांस ड्रामा के साथ हॉस्पिटल शिप सीरीज की स्टोरी शिप पे इलाज करने वाले डॉक्टरों की है, जो इमरजेंसी में सोल्जर और रूरल एरिया में जाकर ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टरों पे बनी सीरीज की सबसे खास बात होती है एकदम से स्वैग में क्विक डिसीजन लेना, और सबसे बड़ी बात, जितनी भी सीरीज में ऑपरेशन दिखाया गया वो लाइव फुटेज की तरह दिखाने की कोशिश की है, जिसके वजह से सीरीज और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। सीरीज देखने के बाद आपको भरोसा नहीं होगा कि एक डॉक्टर इतने वर्स्ट कंडीशन में भी अपने मरीजों को इलाज करते हैं। ये सब देखकर डॉक्टरों के प्रति एक रियल हीरो वाला फीलिंग आएगा। अगर आप डॉक्टर जॉन और डॉक्टर एक्स के फैन हैं तो ये सीरीज को जरूर ट्राई करिएगा। सीरीज हिंदी में एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है। नंबर 2 की मोस्ट अवेटेड ड्रामा सीरीज, पता नहीं इस सीरीज से लोगों को इतना लगाव क्यों है। नेटफ्लिक्स की तरफ से 2021 की ड्रामा थ्रिलर के साथ वेसेंजो सीरीज की शॉर्ट स्टोरी एक दूसरे देश से आई इटालियन माफिया पूरे कोरिया को हिला देता है, जिसका मकसद है एक बिल्डिंग के नीचे दबी 7000 करोड़ का सोना निकालना।
सीरीज की सबसे बेस्ट पार्ट है इसके कैरेक्टर की एक्टिंग, उनके कॉन्फिडेंस और स्वैग वाली एटीट्यूड। सीरीज में ऐसा कई मोमेंट है जहां आपको थ्रिल से भर देगी, जो इस सीरीज का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। बात करें नेगेटिव पॉइंट की तो नो डाउट सीरीज अच्छी है, पर इतना खींचने का क्या जरूरत था। टोटल 21 एपिसोड, ऊपर से हर एक एपिसोड डेढ़ डेढ़ घंटे की। सच बात बताए तो कुछ एपिसोड ने हमें ये सीरीज सुला दिया था। 21 एपिसोड की जगह 15 या 16 एपिसोड और एक घंटे की होती तो बेस्ट होता, लेकिन 10 एपिसोड के बाद ये सीरीज आपको इंगेज रखती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इस सीरीज के फैन हो तो कमेंट सेशन में गाली मत देना। आप इस सीरीज को एक ट्राई दीजिए, फिर जस्टिस करिए सीरीज को। नो डाउट कुछ एपिसोड को इग्नोर करते हो तो ये सीरीज आपका टाइम डिजर्व करती है। सीरीज हिंदी में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, एक ट्राई दीजिए सीरीज को। नंबर वन से पहले बोनस नंबर टू की सीरीज, इसके बारे में भाई क्या बताएं। बस इतना जान लीजिए इस लिस्ट की और कोरिया की सबसे बेस्ट ड्रामा थ्रिलर सीरीज है। बस आप इससे अंदाजा लगा लीजिए सीरीज किस लेवल का होगा। 2020 की द पेंट हाउस, ऐसी सीरीज को एक्सपीरियंस नहीं किया तो भाई कुछ नहीं किया। ऐसी सीरीज को बार बार रिकमेंड करे तो भी कम होगा। इसे आप फ्री में एमएक्स प्लेयर पे हिंदी डबिंग के साथ देख सकते हैं, मिस मत करिएगा सीरीज को। नंबर वन की ड्रामा सीरीज, अगर आप वो स्कूल लाइफ की यादें, खट्टी मीठी लव स्टोरी देखना चाहते हो तो ये सीरीज आपके लिए वेस्ट होगा। 2019 की सीजन वन, टोटल 25 एपिसोड, रोमांस कॉमेडी के साथ, पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर। सीरीज की स्टोरी टीन एज में स्कूल लाइफ की ब्यूटीफुल ट्रायंगल लव स्टोरी पे बेस्ड है। सीरीज की सबसे खास बात लगे लीड कैरेक्टर की उसकी सिंप्लिसिटी और इसके एंगेजिंग स्टोरी लाइन, जो सीरीज का मेन पॉजिटिव पॉइंट है, जिसके वजह से सीरीज आपको लास्ट तक हुक करके रखती है। वो छोटी छोटी वाव मोमेंट और स्कूल लाइफ की वो यादें, जो कहीं ना कहीं अपने आप से रिलेट जरूर करोगे। कुछ टाइम सीरीज को देने के बाद सीरीज से आपको अपना सा लगाव हो जाएगा और लीड एक्ट्रेस की एक्टिंग और उसकी क्यूटनेस देखकर आपको पक्का उनसे प्यार हो जाएगा। अगर आप एक ऐसी टीन एज स्कूल लाइफ पे बेस्ड लव स्टोरी सीरीज देखना चाहते हैं जो आपको गुड फील कराए, तो ये सीरीज आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट होगा। इसके सिंप्लिसिटी के लिए एक बार जरूर ट्राई करिएगा। इसे आप फ्री में एमएक्स प्लेयर पे हिंदी में देख सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।